हेलो अंकिल जी नमस्ते। बे, नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँगा कि अच्छा, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनने फ़ोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल, जल्दी बोल यार, चलिए। ऑफिस के लिए हाँ, तैयार हो रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने अबे तो कुछ सोचा, लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था, जब वज़न करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा तो जो वज़न की मशीन होती थी हाँ उसमें से आवाज़ आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वज़न किसका दें। हाँ तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, केले सुनो, खाया कर। और उसके लिए फ़ोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि मेरी अच्छा मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे, अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नज़दीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ को डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा लड्डू फूटा। मैं गाड़ी में अच्छा बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा खूबसूरत बंगला था। अच्छा बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा वो कहती है, ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को, मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना अब, एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया, हाँ, मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूं वहीं पे आगे? गलत बोल रही है, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? अच्छा, उस लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें, उसमें टमाटर तो नहीं देना नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ, गरीब गरीब है चट। तेरी गई, ठीक है? गंदा मत बोल। बे फोन रख दे सुबह, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल, अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है, अच्छा पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते। बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच, अच्छा तुमने आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है, तो मैं क्या करूं? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों तेरी पेड़ ही नहीं है कोयल, घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? बनाएगी? आप खामखा अरे रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। आप रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। क्या पेड़ करें पूरा? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? अरे पेड़ की वजह से बरसात होती थी तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे गाते थे, अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई पेड़ साहब। के वजह से लकड़ी होती थी, तेरी दे देता उस लकड़ी को अगर साले बना रहे। पेड़ पर ही नारियल उगता था तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था, अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे, कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब, पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला क्योंकि पेड़ ही नहीं पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है है। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना? मैं उसका क्या करूंगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब,
इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते भगवान बोलने वाले। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी, नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन, उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो, जो बात करो। आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ, जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आँख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक। हाँ। करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा। हाँ। है तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई। हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा की नहीं आपने? हेलो, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़े लिटिल लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। लिटिल लिटिल। हेलो, लिटिल लिटिल बोल रहा हूँ, लिटिल 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 ले लेते हैं। तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा की नहीं? एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सर लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तुम्हें आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे। फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं है? चाहिए पानी तो बचा रहे हैं तो अपना बस। और बच्चे को अंदर भेजा की नहीं? बच्चा अंदर है। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? है क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, एक सवा मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं हुआ भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है, करें करें। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को, बैरागी जी कहते हैं जी नाचीज को, बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज के। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप, नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है? गलत मत बोल।
बैठा की जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिमपारी कुंजी कहती है गाइस रेड एफएम रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है शिमपारी नहीं, शिमपारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो, बढ़िया है जी। हेलो भाई साहब नमस्कार, कर्क हो गया है, स्वागत आपका, मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा, हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं, जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है, चैनल है, एक मुद्दा है, एक मिनट लगेगा, बात करेंगे खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ, ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में जो छक्का मारा आपने देखा मैच, इस बात को समय हो गया लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे, बहुत बड़ी जीत है। तो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा, तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो, अमरीश पुरी वाला भी ये कर दे भाई साहब, अगर इफ यू में अलाउ अस, मैं नागिन तू भाई साहब सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, सॉरी तो नागिन क्यों नहीं डांस कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है, नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में बताओ? शिव जी, शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ, शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, कर रहे हैं क्या तुम्हें सांप सूंघ गया? तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है, लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर, शंकर खुद मौजूद थे, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें, इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। जब शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी तो कैसे आती और कैसे होता? जाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़, चिकड़ी 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 भाई साहब, भाई तुम दोनों जाके पहले नाच करो, वो जाके इनका नाम क्या बैठेगी? चटक बगुला हमारे साथ, आप चटक बगुला हैं, तू है चटक बगुली मादा बना दिया, गलत बोल रहे हैं ये, खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे, चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में, शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकिंग डिलडली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए, पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं, रेड एफएम 93.1 रेड एफएम बजाते रहो।